जी अली, आपके पास आ गई अलाउ परमिशन आ गई है? जी सर, आ गई, हमने स्टार्ट कर दिया। ओके जी। अच्छा जी, हम लास्ट टाइम टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और इसकी जो लास्ट ये पर्ट एनालिसिस की टेक्निक है ये हम देख रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि कोई भी आप अपनी जो टाइमलाइन एक्टिविटीज है उसमें से कोई एक टास्क उठा लें और उसमें आप एस्टिमेटेड टाइम अपनी तरफ से ना दें और उसमें पर्ट का फार्मूला लगा के आप पर्ट की टेक्निक और पर्ट का फार्मूला अप्लाई करके आप एक एस्टिमेटेड टाइम निकाल सकते हैं। और ये पर्ट की टेक्निक तब लगाते हैं जब आप श्योर ना हो कि एक एक्टिविटी, एक टास्क कितना टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ध्यान रखें ये लेक्चर्स के स्टार्ट में, लेक्चर एक सेशन जब खत्म होगा 1:10 पे और 1:15 पे दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, उसका भी मैंने लिंक शेयर किया है। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, ज्वाइन करते हैं, दूसरे में नहीं आते या पहले में नहीं आते, तो अब ध्यान रखें आपकी कोई टास्क एक्टिविटी, क्विज एक्टिविटी पहले सेशन के एंड में, दूसरे के स्टार्ट में ये हो सकती है। ठीक है, इसलिए ख्याल रखें। तो आप अपनी क्लासेस को रेगुलर लें, काम पे ध्यान दें, एफर्ट करें और लर्निंग पे ध्यान दें। ठीक है ना, तब ये पर्ट की टेक्निक लगाते हैं। और ये इसका फॉर्मूला था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इनटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी टास्क में, ये थर्ड आपकी एक्टिविटी थी, सेकंड आपने नेटवर्क डायग्राम बनाना था। पहले मैंने फिजिकली भी कहा था कि आप मैनुअली आप हाथ से सारी चीजों को बनाएं, बट वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई नो कि आपकी काफी सारी जब आपकी टास्क एक्टिविटीज हों तो उसको मैनुअली सारे नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करना, इट्स वेरी टफ, इम्पॉसिबल नहीं है, वेरी टफ। तो वो जब आप गैंट चार्ट बना लेते हैं तो आप नेटवर्क डायग्राम टूल्स एमएस प्रोजेक्ट के थ्रू ऑटो जनरेट कर देते हैं। मगर एमएस प्रोजेक्ट भी जो है लोगों ने थोड़ा सा, मैं देख रहा था, हल्का सा एक आइडिया ले लेता हूँ। मैंने बताया था कि जो WBS है, अगर आपने वो गलत बनाया हुआ तो आप आगे से भी गलत बनाएंगे। WBS फेज वाइज बनाना था, सिर्फ प्रोजेक्ट के मॉड्यूल और सब मॉड्यूल्स को आपने एक्टिविटी डाल के और उसकी गैंट चार्ट नहीं बना दी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी पहली जो मेरी एक्टिविटी है मैं लॉग इन का मॉड्यूल करूंगा 2 दिनों में, 2 दिनों के बाद जो है ना चेंज पासवर्ड का करूंगा, तीसरा मॉड्यूल अप करूंगा, ये नहीं होता। ठीक है, ये सब जो है ना वो आप समझ लें कहानी, आपने सिर्फ कहानी सिस्टम की है, तो दिस इज रॉन्ग। तो आपने हर फेज वाइज, बल्कि एग्जाम्पल भी थी और मैंने पढ़ाया भी था और समझाया भी था, और जब मैंने ये दिया था तब भी बताया था कि आपने अच्छी तरीके से बनाना है अपने फेज वाइज और अपनी अपनी एक्टिविटीज, बल्कि लेक्चर में देखें तो मैं बार बार एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से खुद एक्टिविटीज भी डाल सकते हैं, टास्क डाल सकते हैं, माइलस्टोन डाल सकते हैं। तो जो जितनी एफर्ट करेगा या जो जितनी मेहनत करेगा फिर उसको रिवॉर्ड उसी तरह मिलेगा। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि कैसे चेंजेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब ये 2-3 स्लाइड्स हैं, इसके बाद हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये कॉस्ट, क्वालिटी और कम्युनिकेशन रिस्क के 4 चैप्टर हैं जो हमारे रह गए हैं, और ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। और हमने आगे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो रिस्क मैनेजमेंट से हैं, और कुछ 1-2 और जो MS प्रोजेक्ट से टूल से निकलेंगे वो कुछ बनाने के लिए। तो कंट्रोल चेंजेस टू द प्रोजेक्ट शेड्यूल, मैंने कहा था कि जी परफॉर्म रियलिटी चेक्स ऑन शेड्यूल। पहली बात यह है कि हमने जो एक्टिविटीज डिफाइन कर ली हैं कि भाई ये एक्टिविटी इस टाइम होगी, ये एक्टिविटीज के बाद होगी, और मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ फिनिश टू स्टार्ट गैंट चार्ट कोई ना बनाए, और फिनिश टू स्टार्ट गैंट चार्ट सिर्फ ये होता है खत्म होगा दूसरा शुरू होगा तीसरी शुरू होगी, ऐसे नहीं होता। आपको डिफरेंट डिपेंडेंसीज जो हमने पढ़ी थी वो भी अप्लाई करके डालनी थी, डमी तौर पर प्रैक्टिस ही करनी है, और जो टाइम लाइन जनरेट होती है वहाँ पर किसने वो एक्टिविटी करनी है, जो आपका टीम मेंबर है उसका नाम, उस एक्टिविटी का नाम भी आप राइट साइड पे शो कर सकते हैं, और कुछ माइलस्टोन। ये एफर्ट की बात है, कितना आप एफर्ट करते हैं, वरना तो 10 मिनट में गैंट चार्ट बन जाता है आप वो, अगर आप वो सिर्फ सरसरी तौर पे काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, एफर्ट से करेंगे, डिटेल विद फुल करेंगे, तो वो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड एक अलग चीज है, नंबरों वाइज भी है। तो परफॉर्म रियलिटी चेक्स ऑन शेड्यूल्स हैं, और आपने डेडलाइन को मीट करना है तो आपने रेगुलरली वॉच करना है कि डेडलाइन को टाइम का टाइम पे काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। और अलाउ फॉर कंटिजेंसीज का मतलब है कि आपने बैकअप्स के लिए रहना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर स्टूडेंट जो है, हालांकि इंस्ट्रक्शन में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आप एक वर्ड की फाइल या अगर आप PDF में उसको कन्वर्ट कर दे, एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट शेयर करते रहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक एक डॉक्यूमेंट को हर एक के खोल के अलग करूं, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी आ जाती है।
तो कोशिश करें एक फाइल बना लिया करें, अगर इमेजेस है तो उसको पीडीएफ में एक कन्वर्ट करके एक पीडीएफ बना लिया करें। तो मैंने विनजिप मना किया, लोग जिप जिप करके भी डाल रहे हैं, कंप्रेस करके डाल रहे हैं। तो खुदारा ये अगर आपकी अपनी नाअहली है या अपनी सुस्ती है कि जो आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते या आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते उसको, तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। बड़ा अजीब सा लगता है, ऑड सा लगता है कि स्टूडेंट्स को फिर ये गाइड करें कि करना क्या कैसे था। तो इंस्ट्रक्शन डिटेल एलएमएस को स्टडी किया करें। डोंट प्लान फॉर एवरीवन टू वर्क फॉर 100% कैपेसिटी ऑल द टाइम। हमेशा ऐसा होता है कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स 100% काम नहीं कर रहे होते, कोई अप टू द मार्क होता है, कोई दरमियानी स्पीड से चल रहा होता है, कोई गिरते पड़ते संभाल रहा होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में जब टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो कभी डेडलाइन को बढ़ा देते हैं, कभी रिलैक्सेशन करते हैं, कभी कहते हैं नहीं आ जाए, तो ये आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। और हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपकी टीम में भी काम हो रहा होता है तो वो नरमी गर्मी, सख्ती, शफकत, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, हर वक्त 100% परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाते, बट फिर भी आपने इसको मैनेज तो करना होता है। अगर आज अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे या अगर आपका आज बैड डे है या तबीयत नहीं है, तो आपके पास कुशन टाइम होता है, आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग डेज होते हैं, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और प्रोग्रेस मीटिंग तो आप लाजमी करते रहेंगे। जो प्रोग्रेस मीटिंग करेंगे तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि प्रोग्रेस क्या चल रही है, इंडिविजुअल टीम परफॉर्मेंस क्या चल रही है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, अगर किसी को टास्क दिया वो क्या परफॉर्म कर रहा है। तो बेफिक्र हो जाए, मैं एट द एंड के करीब जो है ना वो एक जूम पे सेशन लूंगा, हर एक ग्रुप का अलग सेशन होगा और वो अपने रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स और उन चीज़ों से उनको क्वेश्चन हो रहे होंगे और वो चीज़ जो आंसर कर रहे होंगे, जो चीज़ें जिसको नहीं आएंगी वो खुद उसके नंबर भी कटते जाएंगे। तो ये बेफिक्र हो जाएं, अगर मैं कह रहा हूँ तो वो फिर होगा चीज़ है, जो भी आप जिस तरह उसको समझ लें। तो ये सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ आप चीज़ें सबमिट कर रहे हैं और जो ग्रुप मेंबर कोई काम नहीं कर रहे, या अगर ग्रुप लीडर काम नहीं कर रहा दूसरा मेंबर काम कर रहा है तो दोनों को उस तरह नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसके सेशन भी लूँगा, इसके क्वेश्चन आंसरिंग भी होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब आप लोगों के साथ टीम में काम कर रहे होते हैं, टास्क उनको दे रहे होते हैं, उनको टाइम डेडलाइन ड्यूरेशन दे रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इश्यूज भी लोगों के साथ आते हैं कि उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है। तो ये थोड़ा सा उसने एक चीज़ बताई है कि प्रोजेक्ट मैनेजर शुड यूज एम्पावरमेंट, इंसेंटिव, डिसिप्लिन, नेगोशिएशन। यानी जब देखें ये प्रोजेक्ट मैनेजर आप सब अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्या टेक्निक्स है, अच्छा क्या टूल है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह कर रही है, सारी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं, वक्त के साथ देख रहे हैं, आस्ता आस्ता जो जो आप एक्सपीरियंस होंगे या इंडस्ट्री में भी जाएंगे या आप सीनियर लेवल पे होंगे, फिर आपको थोड़ा सा और इन लेक्चर्स की, इन नॉलेज की, नॉलेज एरियाज की, प्रोसेस की, टेक्निक स्ट्रेटेजीज की और समझ आएगी। अब देखें कि ये मैनेजर कैसे ये कुछ टेक्निक्स को लोगों को मैनेज करने के लिए या लोगों के साथ जब इश्यूज आते हैं टीम के साथ या क्लाइंट्स के साथ कैसे उनको डील करता है। तो इसी तरह टीचर भी डील कर रहा होता है। अगर ये स्किल टीचर में एक है तो वो आप देखें कि वो उसकी मैनेजमेंट एबिलिटी पे वो उसकी कमाल है कि वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर। फॉर एग्जाम्पल एम्पावरमेंट, तो आप अपनी अथॉरिटी शो करते हैं, लोगों को भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको कहते हैं कि आप ऑनरशिप करें, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, और उनको फुल कॉन्फिडेंस देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं बाज़ औक़ात काम करने के लिए। आप इंसेंटिव लाजमी नहीं है कि इंसेंटिव टेंजिबल फॉर्मेट में हो कि आपको रिवॉर्ड कैश मिल गया, इंसेंटिव कॉन्फिडेंस लेवल पे, इंसेंटिव इन शाबाशी भी पॉइंट व्यू से हो सकता है, इंसेंटिव इन वो कहते हैं ना कि जो बेनिफिट है वो टेंजिबल भी होता है और इनटेंजिबल भी होता है। टेंजिबल हार्ड कैश फॉर्मेट में होता है, जारी बात है मॉनेटरी रिगार्ड में, उसमें इन टर्म्स में होता है, और इनटेंजिबल आप रेपुटेशन, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ऑनर और ग्रेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट टीम मेंबर या ग्रुप लीडर, या ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। डिसिप्लिन भी आप से लेके चल रहे होते हैं, डिसिप्लिन भी लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बात बताई कि लेक्चर स्मूथी चल रहा है और कैसे किसी का माइक अनेबल हो रहा है, जब सबके माइक्स ऑफ हैं तो जब तक कोई मस्ती नहीं करेगा, यानी आप उसको पंजाबी में कहते हैं जब तक कोई उसको किसी को तकलीफ नहीं होगी, और आप दूसरा लफ्ज़ आहो मैं
होगा, मतलब है आप समझ गए, तो वो कैसे माइक ऑन होगा, ये समझ से बाला तर है। तो इसलिए खुदारा ये जब कोई जान के हरकत करता है या कोई जुई ज्वाइन करके ये अपना माइक और ऑन करके और दूसरा अपने मोहल्ले की वो रिपोर्टें सुना रहा होता है पीछे गप्पों में, तो वो उठा के मैं ग्रुप से बाहर फेंक देता हूँ फौरन उसको और उसको नेक्स्ट टाइम अवेलेबल। तो ये ख्याल किया करें, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट्स से अगर डिसिप्लिन अभी नहीं भी मेंटेन होता तो फिर मेरे पास और भी टेक्निक्स होती है, वो एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे एक डिसिप्लिन वो क्रिएट करना। तो निगोसिएशन भी करनी चाहिए टीम के साथ कैसे टैकल करना है, और टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली आप अपने एमएस प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं टूल को, उसके अंदर गैंट चार्ट अपने शेड्यूल दिया हुआ है, तो जो जो टास्क कंप्लीट होती जाती है आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, आप उस चार्ट्स को कलर से रिप्रेजेंट और प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा सकते हैं, प्रोग्रेस बार दिखा सकते हैं, जितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया है, जितनी डेडलाइन कंप्लीट होगी आप उसको एक स्टेटस से शो कर सकते हैं, उसको कलर्स से आप हाईलाइट कर सकते हैं कि दिस कलर इज रिप्रेजेंटिंग लेट्स से दिस थिंग इज बीन कंप्लीटेड टास्क, वो शो कर रहे होते हैं कि कहाँ तक हमारा अभी काम कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीजें आप उसमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा बताया हुआ है कि पर्ट एनालिसिस भी यूज किया जाता है, गैंट चार्ट है, और शेड्यूलिंग ट्रैकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो जो आप काम करेंगे और तब तब आपके साथ एक और आप इसके साथ एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं जिसको हिस्टोग्राम या रिसोर्स शीट भी बोला जाता है। जो आपके पूरी जब एमएस प्रोजेक्ट के अंदर आप टास्क डेडलाइन हर चीजें जब सेट कर लेंगे तो इसके साथ एक रिसोर्स शीट निकलेगी। रिसोर्स शीट मैंने आपको शायद लास्ट टाइम ही बताया था, वो इजी है। रिसोर्स शीट यही बताती है कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है, कौन सा बंदा किस एक्टिविटी पे काम कर रहा है, किस टाइम में काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप उसके साथ साथ मेंटेन कर सकते हैं। और पीपल मैनी मिस वर्ड ऑफ कॉशन उसने बताया कि अगर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर यूज करें एमएस प्रोजेक्ट तो ख्याल करें कि उनको ट्रेनिंग भी दें, उनको कॉन्सेप्ट दें, और इसलिए मैंने कहा कि आप लेक्चर्स भी देखें, उसकी एक्सप्लेनेशन जब मैं दे रहा था वो भी दें, लोग ट्यूटोरियल भी लेते हैं, हेल्प भी लेते हैं, और जो जो एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो विजर्ड है या उसकी जो गाइड है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, उसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाया हुआ है वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है भाई, अब लोग ऐसे नहीं होता, तो वो लाजमी हेल्प लें और डिपेंडेंसीज को समझें और पाथ और एक्चुअल स्टार्ट और प्लान, ये सारी चीज़ें जब तक आपको टर्म्स ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपने लेक्चर लिए नहीं है, ना आपने वो लेक्चर अटेंड किए, ना आप एक्सप्लेनेशन या डेडलाइंस या टास्क को समझ रहे हैं, आप उठ करके यार क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उस तो वो आपसे नहीं होगा, तो इसलिए टाइम लगाना पड़ता है। और ये लेक्चर अभी हम यहाँ पर खत्म करते हैं और मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ, कॉस्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने नॉलेज एरिया में सबसे पहले हमने तो प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा, या उससे पहले हमने एसवी के इंट्रो भी लिए और इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेस का चैप्टर पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट पढ़ा। अभी हमारा आई थिंक सो ये सिक्स चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली चैप्टर नंबर सिक्स आपके सामने आ रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। और थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसमें भी टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगा कि कॉस्टिंग या एक कैसे कैलकुलेट की जाती है इसमें, और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दूंगा कि कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कॉस्टिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वक्त के साथ साथ जिस तरह एमएस प्रोजेक्ट की जो पहली स्लाइड इंपॉर्टेंस हर नॉलेज एरिया के हवाले से बताई जा रही है, वो यही बताता है कि जो जो वक्त और टाइम फ्रेम इंक्रीज हो रहा है तो जो टाइम है वो भी डेडलाइन को मीट किया जा रहा है, जो कॉस्ट ओवररन हो जाती थी कॉस्ट बढ़ जाती थी क्योंकि आप प्रॉपरली प्लान नहीं करते थे, आप बजटिंग नहीं करते थे कि टाइम तो आपने बता दिया मगर कितना कॉस्ट रिसोर्सेज, कॉस्ट का मतलब रिसोर्सेज लगाना है, ठीक है। आप कहते हैं यार कॉस्ट कैसे होती है, जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में या काम कर रहे होते हैं तो एक जो ओनर है या बॉस आपका है वो एम्प्लॉयज की सैलरीज, वो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, बिल्डिंग है, आपको खाना पीना है, आपकी फैसिलिटीज है, आपकी रिक्रिएशन एक्टिविटीज है, जो सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था उसके इन टर्म्स ऑफ वो उसका एक्सपेंस हो रहा होता है। तो प्रोजेक्ट में जब आप कॉस्टिंग करते हैं या आप बिडिंग कर रहे होते हैं जब आप प्रोजेक्ट कवर करने के लिए, तो वो सारी चीजें कुछ ना कुछ डिवाइड होकर इंक्लूड हो रही होती है। That's why, जो bid amount है या bidding करनी है उसके बारे में थोड़ा सा इस lecture के में
डिस्कस करूंगा कि कैसे चीज़ है, ये क्या अप्लाई करना चाहिए, कैसी चीज़ है। तो ये वक्त के साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होती गई। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीस की बात करते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद एन अप्रूव्ड बजट। अब कॉस्ट मैनेजमेंट का जो एक नॉलेज एरिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने हर नॉलेज एरिया को अप्लाई करते हुए प्रोजेक्ट को विद इन द टाइम फ्रेम, विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द बजट, विद इन द टाइम एलोकेटेड और रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना। याद, अगर आपको याद हो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, जो PMIA ने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज PMBOK की बुक में डिफाइन की, इट इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन के इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्केल, टूल एंड टेक्निक्स टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, बट रिसोर्सेज विद अ टाइम फ्रेम भी है डेफिनेटली। हर नॉलेज एरिया में हमने कहा कि प्रोसेस, इसमें भी कुछ प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को कैसे आपने ब्रूए कार ला के आपने अप्लाई करते हुए इंश्योर करना है कि जो आपने बजट एलोकेट किया हुआ है, आपने एक बजट पहले एस्टिमेटेड रखा हुआ है कि इतना तखमीना होगा, इतने आपका एक्सपेंस लगेगा, उसी एक्सपेंस के दौरान आपने उस प्रोजेक्ट को, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आपको याद हो कि हमने ये कहाँ ये चीज़ पढ़ी, एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट, और ये आपको याद होगा अगर जब रब प्रोसेस मॉडल में पढ़ा रहा था तो रब में इंसेप्शन फेज में हमने बात की थी कि जब एक आपको टास्क मिलती है क्लाइंट की तरफ से कि यार ये आप हमें ये काम करके दें, तो जो मैनेजर है, मैनेजर, एक्सपीरियंस मैनेजर, वो बाय लुकिंग एट द टास्क, बाय लुकिंग एट दैट प्रोजेक्ट, ही विल मेक अ डिसीजन, ही और शी विल मेक अ डिसीजन, क्योंकि मैनेजर कोई भी शख्स हो सकता है, वो ही कैन फ्रॉम मेल साइड एंड फ्रॉम अदर, ही और शी कैन मेक अ डिसीजन दैट कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास वो ट्रेंड इक्विप्ड हैं, क्या ये हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या चैलेंजेस है, ये सब चीजें वो उस चीजों से गुजरा होता है और वो डिसीजन ले लेता है। हाँ, अगर जब ट्रिकी होता है तो वो उसका एक प्रोटोटाइप, याद अगर होगा एलैबोरेशन फेज में एक आर्किटेक्चर और एक वर्केबल प्रोटोटाइप बना के चेक कर लेते हैं कि यार ये कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फंस ना जाए प्रोजेक्ट लेके। तो इंसेप्शन फेज में आपको याद होगा तो एक चीज थी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट वर्सेज एक्चुअल कॉस्ट, आपको याद होगा जो आपने कुछ माइलस्टोन डिफाइन किए थे कि इंसेप्शन फेज में कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का विजन हमें क्लियर है, होना चाहिए विजन, अगर विजन क्लियर नहीं है या हमें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हाट टू डू, करना क्या है, हमें विजन और व्हाट टू डू हमें पता ही नहीं है कि करना क्या, कैसे करेंगे, वो एलैबोरेशन फेज में, इसके अंदर क्या करेंगे, किस तरह टूल को करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिजाइन क्या होगा, एल्गोरिथम क्या होगा, वो फ्यूचर स्टेजेस की बात होती है, पहले हमें एनालाइज ही नहीं करना आ रहा होता। तो एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का उसने क्या कॉन्सेप्ट फिनोमेना लिया, और यहाँ पर मैं जब कॉस्ट की बात करूंगा तो क्या उसने कहा कि मैनेजर हमेशा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक ऐसा टारगेट अमाउंट, एक टारगेट, एक बिड दे देता है, बिड को बोली बोलते हैं, कि ताकि वो क्लोज टू द एक्चुअल, जब आप एक्चुअल इनकर्ड कर रहे होते हैं, एक्चुअली एक्सपेंसेस को लगा रहे होते हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो क्लोज टू द रियलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर एक्चुअल आपके $20 खर्च हो रहे हो और आपने कहा होगा क्लाइंट को कि $10 लगेंगे, आप इफ़ यू गो फॉर शॉपिंग और आप एक कोई अपनी कोई चीज़ डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, एनी आर्टिफैक्ट, एनी प्रोडक्ट यू वॉन्ट, आप कहते हैं कि इसका एक एस्टिमेटेड बता दें, और वो एस्टिमेटेड लगाने वाला अगर कहे कि इतने लगेंगे भाई, इतने ही बहन इतने लगेंगे, और वो जब एक्चुअली आप उसकी तरफ जाएं, एक्चुअली सीरियस हों या किसी और से पता करें, वो कहे जी इतना, तो 19-20, 18-20 का डिफरेंस चल जाता है, बट 10-20, 15-20 का डिफरेंस नहीं होता। तो मैनेजर मस्ट बी वाइल एस्टिमेटिंग, वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, ही और शी मस्ट बी एन एक्सपीरियंस, डेफिनेटली विदाउट एक्सपीरियंस ही नहीं होती। और अब जो है, अब नहीं, काफ़ी अरसे से जब हम लोग भी स्टडी करते थे और तब के वो सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, और मैं आपको याद कराता हूँ कि मैंने 2000 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी इन माय फोर्थ सेमेस्टर, और हमें तब भी एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेशन निकालने को कहा गया कि आप इसकी एक कॉस्ट को कैलकुलेट करें और इसका डेवलपमेंट प्लान और गैंट चार्ट बनाए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आप सोचिए कि हमने क्या क्या डेवलप और क्या क्या किया होगा। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, इट्स ऑल अबाउट गाइडिंग। हमें किसी ने नहीं कहा, 1998 में MS प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ,
आप जाके इसकी आर्काइव में लॉग में हिस्ट्री में देख सकते हैं। और 1998 में एमएस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, और 2000 के स्टार्ट में हमने जो स्प्रिंग सेशन होता है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी, और हमें एक इंस्ट्रक्टर रहेगा भाई ये है ये करे, वो हमने तो नाम ही नहीं सुना और ये क्या होता है कैसे होता है क्या होता है। टीचर ने कहा जाए एक्सप्लोर करें और उस ट्यूटोरियल को इंस्टॉल, ट्यूटोरियल तो उस वक्त होता ही नहीं थे, उस टूल को इंस्टॉल करें, उसमें विजिट, उसकी हेल्प, उसकी गाइडलाइन देखें। तो उस वक्त कौन से वीडियो लेक्चर होते थे, उस वक्त कौन सा यूट्यूब होता था, उस वक्त तो गूगल भी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से गूगल भी नहीं था, मैं आई थिंक सो याहू बड़ा काम करता था। और फिर आस्ते आस्ते आए, आई गेस 2000 याद पड़ता है, 2002 या 2001-2 के करीब करीब गूगल लॉन्च हुआ, या आई एम राइट कि उस वक्त ही लॉन्च हुआ होगा। तो उस वक्त इतना भी वो पॉपुलर या वो इतना वो नहीं था कि आप वहाँ पर हेल्पलाइन या ट्यूटोरियल देखते। तो अब तो इतनी हेल्पलाइन है, अब तो बनी बनाई एग्जांपल हेल्पलाइन है, वो सारी चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती, समझना होता है, आइडिया लेना होता है, पढ़ना होता है, नोट करना होता है, फिर अपना आपने ड्राफ्ट करना। तो जो एक एक्सपीरियंस मैनेजर होता है, जो वो कॉस्ट की एक एस्टिमेटेड अमाउंट या बिड दे रहा होता है, जब आप प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में भी आपको क्लाइंट्स की तरफ से कोई टास्क मिलती होती है, जो लोग फ्रीलांसिंग काम करते हैं या उनको थोड़ा सा आइडिया है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएं, देयर आर मेनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू इफ यू हैव एनी डिजाइनिंग स्किल, इफ यू हैव एनी डेवलपमेंट स्किल, इफ यू हैव एनी आर्टिकल राइटिंग स्किल, इफ यू हैव एनी ग्राफिक स्किल, यू कैन डू अ नंबर ऑफ टास्क। उसमें इतनी एक्टिविटीज हैं कि आप अपनी स्किल्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको गिग्स बोलते हैं, आप उसको सिलेक्ट करें और उससे रिलेटेड जो भी टास्क पोस्ट होती हैं, जो क्लाइंट्स काम करना चाहते हैं वो पोस्ट हो रहे होते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर इंडिविजुअली या एज अ कंपनी दो होते हैं। फ्रीलांसर होता है कि आप खुद इटसेल्फ हैं, कोई टाइम बाउंड लिमिट नहीं, आप अपनी मर्जी के वो कहते हैं बादशाह हैं, जब मर्जी काम करें। अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, खुद से काम करना चाहते हैं, तो अपनी प्रोफाइल तो आप लाजमी बनाएंगे। अगर आपकी वो एक वेबसाइट यूआरएल है तो वो भी एक बड़ी हेल्प आउट कर रही होती है अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स के ये कौन है, क्या है, इसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसकी क्या प्रोजेक्ट्स ने क्लाइंट्स के लिए कोई काम किया हुआ है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स की डिटेल में सिर्फ टॉपिक टाइटल नहीं देते, उनके यूआरएल आईपीज भी देते हैं, दे रहे होते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक अमाउंट आप एक प्लान भी बताते हैं कि मैं ये काम इतनी टाइम में करूँगा, इतने इतने चार्जेस लूँगा, और ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो लाजमी नहीं है कि जिसने बिड या बोली सबसे कम दी उसको प्रोजेक्ट मिलेगी, तो ये एक इसके पीछे एल्गोरिथम काम हो रहा था आपकी। जब तक एक रैंकिंग आपके वो जिस तरह 3-star 4-star है, आपकी रैंकिंग नहीं होती, आपकी प्रोफाइल अपलिफ्ट नहीं होती, आपकी प्रोफाइल की वर्थ नहीं बनती, तब तक आपको प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से मिल रहे होते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, आप छोटे लेवल पे काम करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, जो जो आप डेडलाइन को मीट करते हैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं। जो ही आपने प्रोजेक्ट लिया और उसने आपने डेडलाइन पे काम नहीं कम्प्लीट किया, वो बार बार उनके पूछने पर डेडलाइन से पहले पहले वो पूछ रहे होते हैं, अभी भी बता देगा आपका, आप काम कर लेंगे, 2 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, तो नहीं करेंगे तो आप रिफ्यूज करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल में थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, वो किसी और को टास्क दे देते हैं जो जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, जो इसको टैकल कर रहे हैं, और बेशक उनको थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है, बट आपकी प्रोफाइल को फारिग कर देते हैं। तो एक काम मेहनत से किया जाता है, प्रोफाइल एफर्ट से बनाई जाती है। तो ये मैं सारी जो चीज़ें आपको बता रहा था ये रियलिटी है। और एस्टिमेशन जो आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट दे रहे होते हैं, एक क्यासा राई आप कहते हैं, एक अंदाजन बता रहे होते हैं कि इतना एस्टिमेट होगा, और जब एक्चुअली जब आप उसको कैलकुलेट भी करते हैं या उसको एक्चुअली हर एक चीज़ को नाप तोल के कर रहे होते हैं, तो वो क्लोज टू द रियलिटी होनी चाहिए जब एक्चुअली इनकर्ड हो रहे होते हैं या एक्चुअली आप उसको तो प्लानिंग एस्टिमेटेड और एक्चुअल के साथ बिल्कुल क्लोज टू द रियलिटी होना चाहिए। जब एक्चुअली इनकर्ड हो रहे होते हैं, जब आप उस टाइम फ्रेम से गुजर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल 100% भी हो सकते हैं, 19-20, 18-20 का फर्क भी हो सकता है, तो तभी एक एक्सपीरियंस का पता लगता है कि यार उसने कितनी एफर्ट की है ये सारी चीज़ें की। तो कॉस्ट मैनेजमेंट में भी प्रोसेस हैं, रिसोर्स की प्लानिंग करनी है आपने, मैं चीज़ें अभी टर्म्स के साथ साथ कुछ चीज़ें बता दूंगा। कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है, कॉस्ट बजटिंग करनी है, और कॉस्ट कंट्रोल करना है। सबसे पहले चीज़ आपको समझनी है कि रिसोर्स का क्या मतलब होता है। यहाँ पर तो लिखा है रिसोर्स, डिटरमाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज एंड क्वांटिटीज ऑफ आइटम शुड बी यूज्ड। अब आपको पता ही नहीं है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट आई विल लाइक टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज, एंड आई विल आल्सो गिव यू एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज कि व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन रिसोर्स, या एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या होते हैं। मैंने शायद डेफिनेटली रिसोर्सेज को पहले भी एक्सप्लेन किया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज में आपकी वो
मैन पावर सारी आ जाती है. मैन पावर रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, वो आपके टीम मेंबर्स में डिजाइनर, डेवलपर, लीडर, टेस्टर, जो भी आपके टीम मेंबर हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी मैन पावर आ जाती है. फिर रिसोर्सेज में आपके जो है वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपकी वो जो बिल्डिंग है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जो फैसिलिटीज हैं, आपको जो रिसोर्सेज में और चीज आ जाती है, आपको कोई लाइब्रेरी, अगर सॉफ्टवेयर हाउस में या सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है, लाइब्रेरी ऑफ सीडीज है, एपीआई की फैसिलिटीज है, आर्टिकल की फैसिलिटी है, प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिलेटेड आपके पास कोई डेटा बैंक है, कोई डेटाबेसिस है, तो ये सारी चीजें एक रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं. तो आपको पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए एज अ मैनेजर के रिसोर्सेज क्या है मेरे पास. वो कहते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ रहे होंगे कि जो प्रोसेसर है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज को यूज करता है. जब भी किसी टास्क को प्रोसेस करता है या किसी एक्टिविटी को वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, तो सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसको बेस्ट यूटिलाइज करता है. और जो जिस तरह लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कैप्टन है वो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर वो 15 का स्क्वाड है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन दैट वेदर, डिपेंडिंग अपॉन दैट पिच, डिपेंडिंग अपॉन दैट अपोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन दैट बिहेवियर ऑफ द पिच एट द लाइव, वो टीम को सेलेक्ट करता है. बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल बीन फेमिलियर विद द क्रिकेट और सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ऐसा होता नहीं है और फैसले कहीं और से भी हो रहे थे और जनाब बंदा हैरान परेशान हो रहा होता है कि यार पिच इस तरह की थी, इसने स्पिनर. हाँ, अब देखे ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पिच को रीड करना आना चाहिए कैप्टन को भी और उसका बिहेवियर. और माशाल्लाह सीमिंग पिच हो रही होती है और वेदर क्लाउडी और हमारे कैप्टन साहब बैटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह दोनों टेस्ट मैचों में, ये हालात देख लें तो ये इतनी पथेटिक किस्म के डिसीजन है. सारे कमेंटेटर एनालिस्ट भी कर रहे होते हैं जब आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं और सीमिंग वेदर है और क्लाउडी वेदर है और माशाल्लाह उनकी साइड पे वर्ल्ड क्लास बॉलर एंडरसन और ब्रॉड है और पाकिस्तान माशाल्लाह क्रिकेट बैटिंग पहले कर रहा है, तो ये थोड़ा सा यस सेकंड टाइम बैटिंग करना मुश्किल होते हैं बट थोड़ा सा फैसले दूसरे तरीके से भी लिए जाते हैं. खैर इट डिपेंड्स अपॉन एग्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर वो कैसे उसको प्लान करता है. तो हमें जब हम बजटिंग भी कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए कि अब इसकी एस्टिमेशन करनी है, इस पर कितना तकनीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज दरकार है और कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं. ये इसकी फर्स्ट प्रोसेस की डेफिनेशन है. ये फेज वाइज आगे एक्सप्लेन में करता जाऊंगा बट अभी इनिशियली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन द रिसोर्सेज और उसकी एग्जांपल. कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है हमने हर एक रिसोर्स को, हर एक एक एक्टिविटी को, जिस तरह आप एक्टिविटीज डिफाइन कर रहे हैं, अगर आपने गलत एक्टिविटीज डिफाइन की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट ही WBS में और गैंट चार्ट में आप कह रहे हैं कि जी मेरी पहली एक्टिविटी है लॉगिन मॉड्यूल, तो गलत कर दिया भाई आपने. गलत ऐसे नहीं होता, मैं बार बार समझा चुका हूँ कि आप या तो प्रोजेक्ट को फेज वाइज चले, आपकी इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन फेज है या आपकी एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग फेज है, वो टाइटल आप चेंज कर सकते हैं अगर आप रब को फॉलो कर रहे हैं, या अगर आप एक अच्छे टर्म को, कन्वेंशन को फॉलो करें, तो आपकी इंसेप्शन के अंदर सबसे पहले लॉगिन का मॉड्यूल कहाँ से आ गया भाई. ये तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की हरकत की. इट मींस कि वो ना पढ़ते हैं लेक्चर, ना उन्होंने फॉलो किया, पता नहीं कहाँ से एग्जांपल देके मैप कर ली है. तो वो कहते हैं नकल के लिए अक्ल जरूरत है. तो आप अपने अपने जो अच्छे क्लासमेट्स हैं, अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं. लेक्चर्स को देखा ही नहीं आपने, अपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी नहीं आपने, WBS के वो एग्जांपल्स नहीं पढ़ी. WBS को मैंने कोई 10 स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया, जाके जरा पढ़े मेरा लेक्चर के वर्ब ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. बात वर्ब ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुई है. जो गैंट चार्ट है वो किसको देख के बनाया जाता है, जो टाइम लाइन शेड्यूलिंग किसको देख के बनाई जाती है, आपके WBS को. WBS में आपने कैसे सीक्वेंसिंग की हुई है, किस तरह फेज वाइज दी हुई है. तो वहीं से आप गलत कर रहे हैं तो आप फिर गलत जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है. मैंने बार बार समझाया है कि प्रोजेक्ट के जो ओवरऑल स्कोप की जब बात की जाती है, तो हाँ जब आप फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो सबका ध्यान सिर्फ कोडिंग की तरफ होता है, यार मॉड्यूल बता दें आप क्या काम करेंगे. तो आपने कॉन्फिडेंस में बनाना होता है कि सिर्फ प्रोजेक्ट में ये चार मॉड्यूल की कोडिंग नहीं है, हमने क्लाइंट्स को स्टडी करना है, रिक्वायरमेंट्स लेनी है, एनालिसिस करना है, फिजिबिलिटी बनानी है, डिजाइन करना है, बहुत सारी चीजें करनी है. तो जब आप उनको इन चीजों से लेके चल रहे होते हैं तो फिर समझ रहे होते हैं हाँ जी प्रोजेक्ट में P1 फेज है, वो 6 महीने का ये होगा, प्रोजेक्ट में P2 फेज है. तो ये आपकी जस्टिफिकेशन है कि आप कैसे दलील से कर रहे हैं. आपको हर चीज पढ़ाई गई है,
अगर आपको पूछा जाए कि आप प्रोसेस मॉडल रब क्यों यूज करें, आप जवाब ही ना दें। आप ये दे, वो जी ख्वाजा साहब ने कहा था, वो जी नासिर साहब कोऑर्डिनेटर ने कहा था ये रब मॉडल फॉलो करें। तो रब के जो हमने इतने फसाने पढ़े, रब के इतने किस्से पढ़े, इतने फेजेस, इतने मॉडल, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इतनी जस्टिफिकेशन दी, तो क्या आप रब को जस्टिफाई दो लाइन में नहीं कर सकते? इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहां पर टीचर का मैटर नहीं करता, टीचर की वर्थ डिपार्टमेंट स्कूल सब जानते होते हैं। आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी क्या लेवल ऑफ नॉलेज है, आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो आप बेशक टीचर को नाम ले लें, वो तो उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, वो एकदम इवैल्यूएटर वाले यू हैरान हो रहे होंगे कि यार ये स्टूडेंट क्या कह रहा है और ये क्या बोंगिया मार रहा है। तो इसलिए उस्तादों को गंदा करने से बेहतर है कि आप खुद अपने आप पर उसको ब्लेम लें, ब्लेम गेम ना खेला करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया करें। ये चीज सबसे बड़ी, जो अपनी गलती मान ले ना, एक्सेप्ट कर ले, वो बड़ा शख्स होता है, बड़ा आदमी या बड़ा ग्रेट वुमन और ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी होता है। तो अपनी गलती, गलती इंसानों से ही होती है, हम नाउज बिल्ला कोई जो है, कोई हम फरिश्ते पैगंबर नहीं है कि हम, तो इंसान, टू एरर इज ह्यूमन, इंसान खता का होता है, तो उसको माना, एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है? तो हमें एस्टिमेशन, हमने, मैं बार बार भी बता रहा हूँ कि हमने एक एक एक्टिविटी की, एक एक रिसोर्स की देखनी है कि टाइम तो हमने देख लिया इतना टाइम लगेगा, उसके साथ साथ फिर हम एस्टिमेशन की कितना इस पर हमने बजट लगाना है, रिसोर्सेज कितने लगाने हैं, ये सारी चीज़ें पैसों में कैलकुलेट हो रही होती है, जुबानी हवा में नहीं होती। फिर बजटिंग लगानी, ओवरऑल हर आइटम को, जब आप एक इंडिविजुअली आइटम को भी एक टाइम और टाइम के साथ साथ फिर उसका एस्टिमेट ऑफ अमाउंट लगा रहे हैं, तो जब टोटल करेंगे तो ओवरऑल बजट आ जाएगा, ठीक है? और लास्ट मिनट चल रहा है ये लेक्चर, अभी एंड हो जाएगा और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह 1:15 पे नेक्स्ट सेशन जनरेट करेंगे। आप जनरेट एंड कर लें जी, चेंजेस को कंट्रोल कैसे करना है, यहाँ से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेक्चर जनरेट कर लें, दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं।